नमस्कार दोस्तों, मैं एडवोकेट अमित गौतम आपके अपने यूट्यूब चैनल पर आप सभी का बहुत बहुत स्वागत करता हूं। आज के इस वीडियो में हम चर्चा करेंगे कि आप कानूनी रूप से अपना नाम किस तरह से चेंज करवा सकते हैं। नाम चेंज करवाने के कई रीजन हो सकते हैं, जैसे कि यदि आपकी शादी हो गई हो तो आपके हस्बैंड का सरनेम लगवाना हो तो उस तरह तब आपको नाम चेंज करवाना होता है, या आपको पासपोर्ट बनवाना है और आपके नाम के पीछे सरनेम ना हो तब आपको नाम परिवर्तन करवाना पड़ता है, या फिर आपको अपना पुराना नाम पसंद ना हो तो आपको अपना नाम चेंज करवाना होता है। तो आइए दोस्तों वीडियो शुरू करते हैं। आप अपना पुराने नाम को सिर्फ 3 स्टेप को फॉलो करते हुए ही अपना पुराना नाम चेंज करवा सकते हैं। पहला स्टेप आता है एफिडेविट, यानी कि शपथ पत्र। एफिडेविट आपको किसी भी नोटरी पब्लिक एडवोकेट के पास में जाकर के एफिडेविट बनवाना होता है। एफिडेविट में आपको 3 बातें लिखना आवश्यक होता है, जैसे कि आपका पुराना नाम और नया नाम, साथ ही साथ आपका एड्रेस और आप अपना नाम क्यों परिवर्तन करवा रहे हैं उसका रीजन भी देना आवश्यक होता है। वो सारी बातें उल्लिखित करवाते हुए आप नोटरी पब्लिक से नोटरी करवा करके उस नोटिस एफिडेविट को अपने पास में रख सकते हैं। एफिडेविट को बनवाने के बाद में आपको दूसरा स्टेप को फॉलो करना होता है कि आपके न्यूज़पेपर में पब्लिकेशन करवाना। न्यूज़पेपर में पब्लिश करवाने के लिए आपको एफिडेविट और साथ ही साथ एक एप्लीकेशन लिख के देनी होती है, जो 1 से 3 दिन में आपके न्यूज़पेपर में पब्लिश कर देता है। किन्हीं भी 2 न्यूज़पेपर में आपको ये पब्लिश करवाना होता है। एक जैसे कि आप जहां भी कहीं रह रहे हो वहां की एक लोकल लैंग्वेज में आपको अपने नाम परिवर्तन का पब्लिश करवाना होगा न्यूज़पेपर में। और साथ ही साथ में यदि एक आपको एक करवाना होता है कि आप इंग्लिश न्यूज के अंदर में आप एक पेपर में आप पब्लिश करवाते हैं। ये इसलिए करवाना होता है दोस्तों कि यदि आपके नाम परिवर्तन से किसी को ऑब्जेक्शन हो, किसी को आपत्ति हो, तो वह उस आपत्ति को कोर्ट में दर्ज करवा सकता है। फॉर एग्जाम्पल कि जैसे कि यदि आप एक क्रिमिनल हैं और आप अपना नाम परिवर्तन करवाने जा रहे हैं, तो एक क्राइम डिपार्टमेंट को इस चीज से ऑब्जेक्शन होगा कि आप अपना नाम परिवर्तन ना कराएं, और वो वहां जाकर के कोर्ट में ऑब्जेक्शन कर सकता है। यदि कोई ऑब्जेक्शन नहीं करता है तब आपका रास्ता साफ हो जाता है और इस तरह से आप अपने नाम परिवर्तन करवाने के दूसरे स्टेप्स को पूरा कर सकते हैं। फिर बात आती है तीसरा कि गेजेट पब्लिश करवाना। हर 1 महीने में सेंट्रल गवर्नमेंट और स्टेट गवर्नमेंट का गेजेट नोटिफिकेशन जारी होता है। गेजेट नोटिफिकेशन जारी करने के लिए आपको स्टेट गवर्नमेंट या सेंट्रल गवर्नमेंट किसी भी गेजेट नोटिफिकेशन आप जारी करवा सकते हैं। जैसे कि आपको स्टेट गवर्नमेंट से करवाना हो तो स्टेट गवर्नमेंट के गेजेट नोटिफिकेशन ऑफिस, जैसे कि अधिकांशतः सीएमओ या जहां भी होता है तो सीएमओ में मोस्टली होता है, तो सीएमओ में जाकर के आपको एक एप्लीकेशन लिखनी होती है। एप्लीकेशन के साथ ही साथ आपको वही एफिडेविट और दोनों न्यूज़पेपर जो ओरिजिनल देने होते हैं वह एफिडेविट के साथ में गेजेट नोटिफिकेशन के लिए वहां पे देना होता है। साथ ही साथ में कुछ शुल्क लगता है, जैसे कि कोई फीस चार्ज जो भी लग रहा हो, तो वो देकर के आपको 1 से 3 महीने में गेजेट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है। अब जैसे ही गेजेट नोटिफिकेशन जारी हो जाता है तो अब आपका कानूनी रूप से आपका नाम परिवर्तन हो जाता है। अब आपको करना क्या होता है दोस्तों कि जैसे आपका नाम परिवर्तन होता है, अब आप जहां भी अपना नाम पर चेंज करवाना चाहते हैं, जैसे कि आप आधार कार्ड पे नाम चेंज करवाना चाहते हैं, तो आधार कार्ड सेंटर पे आपको जाकर के वही एफिडेविट और दोनों न्यूज़पेपर साथ ही साथ गेजेट नोटिफिकेशन तीनों ही ओरिजिनल ले जाकर के आपको डॉक्यूमेंट्स पेश करने होते हैं और आधार सेंटर वाला आपका नाम चेंज कर देता है। और यदि आपको वही वैसे जैसे पासपोर्ट बनवाना होता है तो वही एफिडेविट, दोनों न्यूज़पेपर और गेजेट नोटिफिकेशन ले जाकर के पासपोर्ट ऑफिस में देना होता है, जिससे कि आपका नाम या आपका सरनेम चेंज हो जाता है। तो इस तरह से दोस्तों आप अपना नाम परिवर्तन करवा सकते हैं। और यदि एक बार दोस्तों यदि आप चाहते हैं कि मेरी स्कूल की मार्कशीट या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट या डिग्री में नाम परिवर्तन हो, तो उसके लिए आपको बोर्ड ऑफिस या यूनिवर्सिटी में जाकर के संपर्क करना होता है और वहीं पे ये तीनों डॉक्यूमेंट्स देने होते हैं। वैसे यदि आप दोस्तों यदि ये नहीं भी चेंज कराते यूनिवर्सिटी और बोर्ड ऑफिस से, तो भी उस बात को कोई इश्यू नहीं। आप जहां भी कोई नेक्स्ट फॉर्म भरते हैं तब आप उस फॉर्म को भरते हुए वही पुराने डॉक्यूमेंट, जैसे कि मार्कशीट या यूनिवर्सिटी की मार्कशीट, डिग्री वगैरह हो, तो वो सारे दे करके आप साथ ही साथ ये तीनों डॉक्यूमेंट, जैसे कि आपका एफिडेविट, दोनों न्यूज़पेपर और गेजेट नोटिफिकेशन देते हैं, तो भी आपका नया नाम आ जाता है, पुराने नाम की वो मार्कशीट वगैरह वो भी उसमें मान ली जाती है, तो आपको वो कोई इश्यू नहीं। इस तरह से आप अपना नाम परिवर्तन करवा सकते हैं। अगर दोस्तों आपको मेरा ये वीडियो अच्छा लगा हो तो इसको लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ में शेयर करें, और आप मेरे चैनल पर नए हैं तो इस चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा, जिससे आने वाले वीडियोस के नोटिफिकेशन आप तक पहुंच सके और इसी प्रकार की कानून संबंधी जानकारी आप तक पहुंचती रहे।